आदि पुरुष में बुरी तरह से ट्रोल होने के बाद सैफ अली खान का सामने आया बयान कि सोशल मीडिया पर मच गया बवाल। बेटी वामिका का फोटो क्लिक कर रहे फोटोग्राफर पर फूटा अनुष्का का गुस्सा, तो नेटिजन्स ने कर दिया ट्रोल। आर्यन खान ने किया अनन्या को इग्नोर, सोशल मीडिया पर होने लगी चर्चा। डालिए इस हफ्ते की मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज पर एक नज़र। इन दिनों लाइमलाइट में छाए हुए सैफ अली खान ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में रामायण पर आधारित आदि पुरुष के बाद अब महाभारत पर आधारित फिल्म में काम करने की इच्छा जाहिर की है। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, अगर कोई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह महाभारत बनाता है तो मैं उसमें कास्ट होना पसंद करूंगा। ये फिल्म चाहे बॉलीवुड में बने या फिर दक्षिण में, मैं महाभारत पर आधारित फिल्म का हिस्सा बनना पसंद करूंगा। मुझे कर्ण बहुत अपीलिंग लगता है, कई और कैरेक्टर्स भी हैं जिनसे मैं काफी प्रभावित हूँ। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी फिल्म आदि पुरुष कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरी है। ऐसे में अब सर्व ब्राह्मण महासभा ने ओम राउत को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि फिल्म से सभी ऑब्जेक्शनेबल सीन 7 दिन के अंदर हटा दिए जाएं, नहीं तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्टेडली नोटिस में लिखा है, फिल्म में हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में दिखाई गई भाषा बेहद गिरे हुए स्तर की है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। फिल्म में कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो धार्मिक और जातीय नफरत को बढ़ावा देते हैं। रामायण हमारा इतिहास है और आदि पुरुष में भगवान हनुमान को मुगल की तरह दिखाया गया है। कुछ ही दिनों पहले अनन्या पांडे ने कॉफी विद करण में अपने क्रश के बारे में बताया, और वो थे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। अब इसी बीच एक इवेंट के दौरान अनन्या और आर्यन एक दूसरे से टकराए, लेकिन आर्यन ने एक्ट्रेस को बुरी तरह से इग्नोर कर दिया। फिर विवादों में घिरी सैफ अली खान, प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष। दरअसल एक एनिमेशन स्टूडियो ने फिल्म के मेकर्स पर पोस्टर कॉपी करने का आरोप लगाया है। एनिमेशन स्टूडियो ने एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ये देखना बेहद निराशाजनक है कि हमारे काम को इस तरह कॉपी किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा कई बार हुआ है कि ये सेंटर पर बिल्कुल मजाकिया है। हम इसे लड़ने की तरह नहीं देखते हैं, क्योंकि हम आप लोगों का ध्यान इस तरह के काम पर केंद्रित करेंगे, बेहतरीन कंटेंट और उस रास्ते को बनाना जारी रखेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये शब्द फैल जाए। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ईरान में जारी हिजाब विरोध के समर्थन में कूद पड़ी हैं, और महसा अमीनी की मौत पर विरोध कर रही ईरानी महिलाओं के साथ एकजुटता जाहिर की है। दरअसल एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर ईरान की महिलाओं के लिए अपना समर्थन जाहिर करते हुए एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने दूसरों से आगे आने और ईरानी मोरालिटी पुलिस के खिलाफ आवाज उठाने की बात की है। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आए दिन चर्चा का विषय बनते हैं। ऐसे में एक बार फिर आर्यन को ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल SRK के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्म मेकर करण जौहर उन्हें टाइट हग कर रहे हैं। ऐसे में ट्रोलर्स का कहना है कि करण नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और आर्यन को जल्द ही लॉन्च करेंगे। जहां हर किसी को प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष के टीजर लॉन्च का बेसब्री से इंतजार था, पर टीजर रिलीज के बाद इसका सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसके बारे में शायद मेकर्स ने सोचा भी नहीं होगा। सोशल मीडिया पर फिल्म आदि पुरुष को यूजर्स एनिमेटेड फिल्म बता रहे हैं, जबकि इसमें इस्तेमाल हुए VFX की खराब क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। डालिए एक नज़र। हॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू के बाद दोबारा काम ना करने को लेकर दीपिका पादुकोण ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्टेडली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, वहाँ के लोग बाहरी देशों के लोगों को किस नजर से देखते हैं? जब भी मैं US जाती हूँ, मुझे कुछ बातें दुखी जरूर करती हैं। मेरी जान पहचान के एक एक्टर हैं, जिनसे मैं वैनिटी फेयर पार्टी में मिली थी, जिस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि हे, वैसे तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हो। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इस बात का मतलब क्या था, और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मतलब है कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती हूँ, क्या उनके दिमाग में ऐसी सोच थी कि हम इंग्लिश नहीं बोलते? हाल ही में अनुष्का अपने पति विराट और बेटी वामिका के साथ स्पॉट हुई थी। इस दौरान वामिका की फोटो लेने वाले फोटोग्राफर पर अनुष्का खूब भड़की, जिस पर अब नेटिजन्स ने रिएक्ट करते हुए अनुष्का के बिहेवियर पर उन्हें स्लैम किया है।
ब्रह्मास्त्र और उनके कलेक्शन को लेकर सवाल उठाने वालों को करण जौहर ने करारा जवाब दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रिपोर्टेडली कहा, इंडस्ट्री के लोग आलोचनात्मक हो सकते हैं, लेकिन उनका नकारात्मक होना बिल्कुल गलत है। मैं उनसे पूछना चाहता था कि आप ये सुनिश्चित नहीं करना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर सिनेमा के एक्सपीरियंस को ज्यादा रिस्पांस मिले ताकि हम और अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। मुझे सिर्फ यही एक चीज परेशान करती है कि इंडस्ट्री के ही कुछ लोग कभी कभी एक फिल्म के बर्बाद होने का जश्न मनाते हैं।